जोहार अभिनंदन करते हुए साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय टाइगर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोगरा साहब, डूंगरपुर के बीटीपी के जिला अध्यक्ष सम्मान्य चुनीलाल जी डामोर साहब, हमारे लाडले हीरो जो समाज का नाम रोशन किया है आदरणीय राम प्रसाद जी डिडोर सागवाड़ा विधायक, साथ ही जिन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए एक समाज के नाम से एक कारवा खड़ा करने के लिए जो जुनून जगाया था हमारे आदरणीय कांति भाई आदिवासी, साथ ही विधानसभा गढ़ी के जो विधायक के रूप में हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार थे आदरणीय सम्मान्य मैडिया साहब नारीलाल जी, भाई ब्लॉक अध्यक्ष मैडिया साहब, हमारे सर भगवतीलाल जी, बीटीपी के ब्लॉक अध्यक्ष अर्चना के आदरणीय कटारा साहब तमाम, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम हो सकता है आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हो सकता है हमारे में भी स्वार्थ हो कि मुझे कई सरपंच बनने मिल जाए, या मुझे कोई प्रधान बनने मिल जाए, या मुझे कोई जिला प्रमुख बनने मिल जाए, यह हमारी सबकी आशाएं हो सकती है, लेकिन एक समाज का शख्स जो आदरणीय सम्मान्य जुझारू शिक्षित सम्मान्य हमारे बीच में उपस्थित है, समाज के नाम से समाज की जाजम पे बैठे हैं, इनका तह दिल से आप सबको निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत करें मणिलाल जी गरासिया, जो एक समाज के लिए निरंतर समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य, सबसे पहले हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हमारा मूल उद्देश्य पांचवी अनुसूची यानी शेड्यूल एरिया है, ये तो शेड्यूल एरिया के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं उसको खंगालना, क्या संविधान में प्रावधान है उसको देखना और इस चीज को इस धरातल पे लागू करना, ये हमारा अभी वर्तमान में मूल उद्देश्य। दूसरा, ये जो कारवा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हो सकता है यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये सब राज्य मिल करके एक भील प्रदेश बनाने का अपना सपना है, ये जब भील प्रदेश बन जाएंगे हमारी जितनी भी समस्या है एक लाइन में पूरी 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 हो जाएगी, ये बहुत बड़ा सपना लेके चल रहे हैं। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक आदिवासी के नाम से, एक समाज के नाम से, जो समाज के नाम से इकट्ठे करने वाले राजस्थान के अंदर डूंगरपुर में सबसे पहले कारवा जगा, और डूंगरपुर में जो ये भावना जगी, विचार जगे, उसको देखकर हमारे यहाँ पर ये बात उठने लगी। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मणिलाल जी गरासिया गाँव सांगेला के अंदर आए और हमारे कुछ सक्रिय लोग हैं उनसे संपर्क किया, मुझे संपर्क नहीं किया लेकिन हमारे जो सक्रिय लोग हैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि गांव के अंदर ये लोग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे इकट्ठे किए और इसके बाद उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं पूरे देश में एक आम चल रहा है कि आदिवासी के साथ शोषण अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने प्लान बताया कि भाई ऐसा करते हैं अपन एक शिविर रखते हैं और पूरे गांवों को बुलाते हैं और अपने जो इससे जुड़े हुए हमारे समाज के चिंतन करने वाले उनको बुलाते हैं और ये कारवा आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम 5-6 लोगों ने टीम शुरू की थी, कितने 5-6 लोगों ने टीम शुरू की, धीरे धीरे आपकी सोच और समझ की वजह से ये कारवा बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया है। मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए उसमें हमको पराजित होना पड़ा है, उसकी वजह यह रही कि हमारी तैयारियां पूर्ण नहीं थी, हम लोग आनंद फानंद में चुनाव लड़ गए थे इसलिए हमको कहीं ना कहीं पराजित हाथ लगी है, लेकिन हमको अपने मन को अपने मनोबल को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। आज पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आज पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, पिछले समय से जो लगातार समाज की बात कर रहा है यानी समाज के हक और अधिकार की बात कर रहा है, आप सबका दायित्व बनता है, आप सबकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं आप समाज की आवाज उठाने वाले को आप आज आवश्यकता पड़ी है तो समाज की आवाज उठाने वाले व्यक्ति का सहयोग करें, क्या यह आप सबके नैतिक दायित्व बनता है या नहीं, आप सबका नैतिक दायित्व बनता है, एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करो, देखे वास्तव में आप समाज के लिए चिंतित हो
तो आपकी आवश्यकता है वो तमाम पूरी होगी। लेकिन एक दूसरी बात करना चाहता हूं, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, बीजेपी कांग्रेस, इसमें अंतर क्या है? थोड़ा सा सर माफ करना, टाइम कम है, फिर भी इसमें अंतर यह है कि आप देखते हैं, मेरा भी अनुभव है क्योंकि मैंने भी कांग्रेस में रह करके एक सिंबल पे चुनाव लड़ा है और जीता भी है। और आप सबको अवगत है कि जब टिकट की आवश्यकता पड़ती है हम जनरल वालों के नीचे जाके झुकते हैं, जी हजूरी करते हैं। लेकिन बीटीपी में ये जो मंच पे बैठे हैं वो भी आपका टिकट तय नहीं करेंगे, आपका टिकट आप खुद तय करो, अपने अपने गांव में फटाफट मीटिंगें करो और आपके गांव में आप टिकट तय करके नाम पहुंचा दीजिए, आपका टिकट फाइनल है, ऊपर से कोई टिकट नहीं भेजा जाएगा। ये बीटीपी और बीजेपी में अंतर है, ये बीटीपी और कांग्रेस में अंतर है। आपके कांग्रेस के अंदर मुझे बता दीजिए कौन सा आदिवासी टिकट फाइनल करता है? क्या ब्लॉक अध्यक्ष आदिवासी है? क्या जिला अध्यक्ष आदिवासी है? भाजपा और कांग्रेस में कौन है टिकट फाइनल करने वाले? ब्लॉक से लगा करके ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राजस्थान का अध्यक्ष और केंद्र का अध्यक्ष, तमाम कमान मैन इनके हाथों में। और यहाँ का नियम क्या कहता है, शेड्यूल एरिया का नियम क्या कहता है कि यहाँ शासन और प्रशासन आदिवासियों के नियंत्रण में रहेंगे। यह स्पेशल लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। शासन का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक नियंत्रण, यानी नेता हमारे होंगे तो आज वो लोग बन रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस में या शेड्यूल एरिया में हमारे भाइयों को मौका मिल जाए, लेकिन समझने की आवश्यकता है, वहां पर 100% आरक्षण है, इसलिए हमारे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। लेकिन टिकट वो फाइनल कर रहे हैं क्या? टिकट वही लोग फाइनल कर रहे हैं, इसका मतलब नियंत्रण इनके हाथ में है, नहीं है आदिवासियों के हाथ में नियंत्रण, नहीं है, न तो कांग्रेस वालों के हाथ में है, न भाजपा वालों के हाथ में, और है तो सिर्फ बीजेपी वालों के हाथ में, यानी अपना टिकट अपने लोग स्वयं निर्णय करते हैं, ये है फर्क। इसलिए मैं समय के अभाव की वजह से हमारे जो बुद्धिजीवी है हमारे बीच में जो उपस्थित है वो आपको लंबी बात बताएंगे, समय को देखते हुए आप सब यहाँ पर पधारे इसके लिए। और एक दूसरी बात, यहाँ जो ये कार्यक्रम रखा इनको तहदिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश।